तेरी तू बाबा है ले खड़ा हूँ गाड़ी के भी निकाल। इस वीडियो ने एक बार फिर एमपी को शर्मसार कर दिया है। तस्वीरें आई हैं खंडवा के पटादन से, जहां एक साधु की पिटाई की गई, उसकी जटा को काट दिया गया है। साधु इस दौरान रोता दिख रहा है, लेकिन वहां खड़े लोग तमाशबीन बने हुए हैं। लोग वीडियो बना रहे हैं और आरोपी गाली देते हुए साधु की जटा काट रहा है। वीडियो जैसे ही वायरल हुआ, राज्य में हड़कंप मच गया। आनंद फानंद में पुलिस ने इस मामले में जटा काटने के आरोपी प्रवीण नाम के शख्स को हिरासत में ले लिया है और उससे पूछताछ की जा रही है। ये थाना खालवा के रोशनी चौक के अंतर्गत ग्राम पटाजन आता है, वहाँ का ये मामला है जो वीडियो वायरल हुआ है। उसमें एक साधु के साथ मारपीट करके गाली गलौज करके एक व्यक्ति को आया है, उसके साथ उसके बाल भी काटे हैं। उस व्यक्ति को आइडेंटिफाई कर लिया गया है, उसको हिरासत में लेकर उससे पूछताछ की जा रही है क्या कारण था, किस वजह से किया है। ये जरूर है कि अभी तक कोई भी शिकायत थाने चौकी पर नहीं मिली थी। इस वीडियो के माध्यम से इसमें अग्रिम कार्रवाई इसमें की जा रही है और साधु को ढूंढने का प्रयास किया जा रहा है। अगर उसकी तरफ से जो भी शिकायत आएगी उसके आधार पर अग्रिम कार्रवाई इसमें की जाएगी। अभी साधु के बारे में कोई भी चीज़ें ज्ञात नहीं है और उसको ढूंढने का प्रयास किया जा रहा है। हाँ, उस व्यक्ति की पहचान हो गई है, वो वहीं उसी ग्राम का रहने वाला है और उसको बुला के उसे पूछताछ की जा रही है। साधु से मारपीट क्यों की गई, साधु कहाँ का रहने वाला है, इसकी कोई जानकारी अभी तक हाथ नहीं आई है, क्योंकि घटना के बाद साधु यहां से कहीं और चला गया है। फिलहाल पुलिस इस मामले की तह तक जाने की कोशिश कर रही है और साधु की तलाश कर रही है। आपको बता दें, एमपी में इस तरह की घटनाएं आए दिन हो रही हैं। पिछले दिनों नीमच में एक बुजुर्ग की पिटाई का वीडियो वायरल हुआ था। वायरल होने के अगले दिन बुजुर्ग का शव मिला था। नीमच वाले मामले में पुलिस ने कथित तौर पर एक बीजेपी नेता को गिरफ्तार किया था। खंडवा से शिवम कुशवाहा की रिपोर्ट, देखते रहिए द खबरदार न्यूज़।